मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के बाद सेवन चैप्टर से स्टार्ट किया था और ट्वेल्थ तक हम लोगों ने पढ़ा हिस्ट्री में, सेवन चैप्टर से लेके ट्वेल्थ तक, यानी कि अभी तक हम लोग वन से ट्वेल्थ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं विथ क्वेश्चन आंसर्स, रीडिंग सेक्शंस, है ना, सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हमने 7 to 12 को रिवाइज भी किया, करवाया, है ना, और आई होप कि जो भी चीज़, जो भी टॉपिक्स थे उसके बारे में चैप्टर 1 से 12 तक जो भी टॉपिक्स आए उसके बारे में आप लोग बखूबी जान गए होंगे, है ना। अगर आपसे पूछा जाए तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, बता पाएंगे, है ना। हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा, सॉइल के बारे में पढ़ा, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी का, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे तैयार होता है, कौन कौन सी मिट्टी किन किन फसलों के लिए उपयुक्त है, बढ़िया है, बेहतर है, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को, फॉर्मेशन एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने बात की। सॉइल का क्या महत्व है, कितना उपयोगी है, है ना, इसके बारे में भी आप लोग जान गए होंगे। सॉइल इरोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था, और यह भी हम लोगों ने जाना कि सॉइल इरोजन क्या होता है और किस प्रकार हम इसको रोक सकते हैं, है ना, क्या इसके बैड इफेक्ट हैं, किस कितने क्या नुकसान होता है सॉइल इरोजन से, इसकी जानकारी आपको प्राप्त हुई और कैसे हम इसको रोकेंगे यह भी बताया गया आपको। वाटर रिसोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जाना वाटर कितना वैल्यूएबल है हमारे लिए, कितना उपयोगी है, इसकी बात की हम लोगों ने, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, है ना, सोर्सेज ऑफ वाटर कहाँ कहाँ से, कौन कौन से सोर्स हैं, हम लोगों ने यह जाना चैप्टर को पढ़ने के बाद कि रेन जो है यानी वर्षा मुख्य स्रोत है पानी का, ठीक है, दो टाइप के हम लोगों ने फॉर्म ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा, टू फॉर्म्स ऑफ वाटर, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर, सरफेस यानी क्या होता है, सतह, जो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स में जो हम पानी देखते हैं वो सरफेस वाटर कहलाता है, और ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे जो पानी चला जाता है उसको ग्राउंड वाटर कहा जाता है, जिसको हम लोग ट्यूबवेल पंप या हैंड पंप जिसको कहते हैं उसके थ्रू हम लोग उसको डिग करते हैं और उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं या उपयोग में लाते हैं। आर्टिफिशियल रिवर्स, कैनल्स जिसको कहते हैं, कैनल्स की बात की, किस तरह कैनल्स का इस्तेमाल सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए किया जाता है, ना, टैंक को कंस्ट्रक्ट किया जाता है टू स्टोर वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए टैंक्स बनाए जाते हैं, है ना, एंड द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, और डैम्स की बात की, बांध बनाए जाते हैं नदियों के ऊपर और उसका इस्तेमाल उसके उसमें जो स्टोर जो वाटर है ना
जो पानी को रोका जाता है उसका इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए किया जाता है ना, और उसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी से तैयार होता है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो पानी से तैयार होती है, सॉरी, वह इसी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के फलस्वरूप यह होता है ना। कई सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भारत में हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। भाखड़ा नांगल डैम और नागार्जुन सागर डैम, हीराकुड डैम इत्यादि। किस प्रकार वाटर को हमें यूज करना चाहिए, कितनी सावधानी बरतनी चाहिए पानी के इस्तेमाल में, उपयोग में, हमें इन चीजों के बारे में भी आपको बताया गया। आपको यह भी बताया गया कि हमारी धरती अर्थ जो है वह भूभाग से ज़्यादा पानी है, पृथ्वी पर लगभग दो तिहाई हिस्सा जो है वह पानी है, लेकिन वह पानी उसमें से सिर्फ 2 या 3% जो है हम इस्तेमाल कर पाते हैं, उपयोग में ला पाते हैं, बाकी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। तो इस 2-3%, 2 और 3% है बेसिकली, प्योर वाटर जो है वह 1% के आसपास ही होता है, 1 पॉइंट समथिंग है ना, उतने में पूरा लाइफ है, सभी लोग उसी प्योर वाटर में सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। और बहुत लोग जो है पानी की किल्लत भी झेल रहे हैं, बहुत लोगों को पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, और कुछ लोग पानी को बर्बाद भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को पानी मिल नहीं पा रहा है और कुछ लोग उसको अनायास है ना बर्बाद करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, यह चिंता का विषय है, यह भी मैंने आपको बताया। तो हम लोगों को सावधानी पूर्वक पानी का उपयोग करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे, है ना। आपके चैप्टर में, बुक में जो है चैप्टर है आगे, हम लोगों ने 12th तक पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा है, और उसके आगे जो है 16 चैप्टर जो है वहाँ से स्टार्ट होता है, हिस्ट्री का पोर्शन है 16 से है, और स्टार्टिंग जो है वो सिविलाइजेशन से स्टार्ट है। 16 चैप्टर है, हिस्ट्री का पोर्शन है ये। अभी तक हम लोग बेसिकली जो भी हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा वो ज्योग्राफी से रिलेटेड था या सिविक्स का पार्ट था, और अभी हम लोग जो है इसमें हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है हिस्ट्री, इतिहास। हम लोग उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, थोड़ी सी चर्चा होगी यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में, शुरुआत कैसे हुई आदि मानव की, अर्ली मैन की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो हम लोग बात करते हैं अर्ली मैन की, जिसको आदि मानव कहा गया, जिसका डेवलप्ड रूप जो है ह्यूमन बीइंग जिसको कहते हैं, जब शुरुआत हुई मानव की, जिसको आदि मानव कहा गया, अर्ली मैन कहा गया, काफी कष्टदायक जीवन था इनका, काफी कष्टदायक जीवन था, और चूंकि इनके पास नॉलेज नहीं था इसीलिए यह सही तरह से जीना नहीं जानते थे, इवन कि सही ढंग से चलना भी नहीं जानते थे, जंगलों में भटकते थे, गुफाओं में रहते थे, इधर से उधर भटकते थे, जंगली चीज़ें खा कर रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे और उसके मांस को कच्चा ही खा जाते थे,
स्टार्टिंग में ठीक ढंग से चल भी नहीं पाते थे, जानवर की तरह चलते थे, फिजिकल अपीयरेंस भी जानवर की तरह था, है ना। धीरे धीरे करके इन्होंने विकास किया, जैसे जैसे इनका मस्तिष्क का विकास हुआ, जैसे जैसे इनको नॉलेज प्राप्त हुआ, वैसे वैसे इन्होंने विकास किया। लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों को झेलने के बाद, है ना, अर्ली मैन शुरू में हंटर गैदरर कहलाते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इधर उधर भटकते थे, कंदमूल खा के रहते थे, जानवरों छोटे छोटे जानवरों को मार के कच्चा मांस खाते थे और इस किसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे। किसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे जंगली जानवरों, जंगल में रहते थे, जंगली जानवरों का भी खतरा था इन्हें, जंगली जानवर से भी डरते थे ये। पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, कपड़े के बारे में मालूम ही नहीं था इन्हें, तो ये लोग अपने बदन को पेड़ के छालों से या लिप्स ऑफ ट्रीज पत्तों से अपने बदन को ढकते थे, स्किन जानवरों का स्किन पहनते थे, है ना। अपने रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए और शिकार भी, शिकार करने के लिए इन्होंने पत्थर से बने हुए टूल यानी औजार का इस्तेमाल किया, विपन का इस्तेमाल किया, और उससे ये शिकार करते थे और जानवरों से, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी करते थे। धीरे धीरे करके फिर विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, इनको जानकारी प्राप्त हुई, फिर उन्होंने चीज़ें धीरे धीरे इनके जीवन में बदलती गई, है ना, और बहुत सारी चीज़ें ये सीखते गए और अपने आप को सुधारते गए, अपने जीवन को बेहतर बनाते गए। लेकिन इसमें लाखों साल लगे, है ना, कहा जाता है 5 लाख साल पुराना इतिहास है आदि मानव का, इतिहासकार जैसा बताते हैं, तो बहुत कई वर्ष लग गए सुधार आने में। अब चूंकि स्टोन का इस्तेमाल किया गया अर्ली मैन के द्वारा, तो उस एज को, उस युग को स्टोन एज नाम दे दिया गया, उसको स्टोन एज कहा गया। हिंदी में उसको पाषाण युग कहते हैं, एज का मतलब होता है युग, पाषाण युग, पत्थर का इस्तेमाल किया इसलिए इस युग को पत्थर युग, पाषाण युग कहा गया, है ना, और उसको भी कई फेज में बांटा गया, बेसिकली 3 फेज में इसको बांटा गया, है ना, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, स्टोन टूल्स, स्टोन के टूल्स के आधार पर, उसके बनावट के आधार पर, उसकी उपयोगिता के आधार पर जो है 3 फेज हुए स्टोन एज को, 3 फेज में बांटा गया। ओल्ड स्टोन एज इसको पैलोलिथिक कहा गया, मिडिल स्टोन एज जिसको मेसोलिथिक कहा गया, और न्यू स्टोन एज जिसको नियोलिथिक कहा गया। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके जैसा मैंने आपको बताया कि सुधार हुआ इनके जीवन में, चीजें आई, है ना, आग का आविष्कार हुआ, आग की खोज की इन्होंने, आग कैसे जलाया जाता है, है ना, इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने इस पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं किया, ये आग को देखते थे, जंगल की आग को, और इसके बारे में सोचते थे, है ना, सोचते थे कि आग इनके लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन इनको बनाना आता नहीं था, है ना, कैसे आग निकलता है, किस प्रकार से, यह इनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि इनका दिमाग इतना डेवलप नहीं था उस समय। लेकिन एक्सीडेंटली 2 पत्थर, अचानक से कुछ ऐसा हुआ इनके जीवन में, 2 पत्थर आपस में टकराए, उससे चिंगारी निकली, और तब इन्होंने इस पर विचार किया कि वो इस प्रकार से आग तैयार किया जाता है, है ना, और फिर जो है धीरे धीरे इन्होंने आग जलाना सीख लिया, है ना, पत्थर को टकरा के, रगड़ के, रब करके इन्होंने आग जलाना सीख लिया, और यह इनके जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ।
पहले जब ये कच्चा मांस खाते थे, रॉ मीट, अब जब आग का आविष्कार हो गया, आग की खोज हो गई, तो इन्होंने उसको पकाना शुरू किया, फिर पका के खाने लगे। और इनको यह इन्होंने कंपैरिजन किया रॉ मीट में और पके हुए मांस में, तो इनको फर्क नजर आया, इन्होंने इसको महसूस किया। कच्चा मांस के मुकाबले बना हुआ भोजन, पका हुआ मांस जो है वो बेहतर था, उसका स्वाद बढ़िया था, इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। शुरू में इनके पास कोई साधन नहीं था आवागमन का, है ना, तो बहुत परेशानी होती थी, बहुत दिक्कतें आती थी। फिर पहिए का आविष्कार हुआ, व्हील का आविष्कार हुआ, है ना, इन्वेंशन ऑफ व्हील। फिर जो है पहिए का आविष्कार हुआ और यह इनके जीवन का, मानव के जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है, है ना, क्योंकि पहिए के आविष्कार ने इनके जीवन को तेज बनाया, इनके जीवन को गति प्रदान की, है ना, और इन्होंने अपने जीवन में इस पहिए के आविष्कार के बाद इनके जीवन में कई सारे परिवर्तन आए, है ना, जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स, भारी वस्तुएं थी, उसको ढोना मुश्किल था, कंधे पे ढोना, तो जब पहिए का आविष्कार हो गया तो इसको आसानी से जो है चीजों को कैरी करना इनके लिए आसान हो गया, है ना। उसके बाद व्हील यानी पहिया, पहिए का इस्तेमाल उपयोग जो है पॉट यानी बर्तन बनाने के लिए, स्पिनिंग और बीबिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, है ना, और इसको इनके लाइफ का एक वन ऑफ मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट कहा गया, एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि, अचीवमेंट यानी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई पहिए के आविष्कार को। बच्चों मैंने आपको बताया कि इन्होंने स्टोन टूल्स का इस्तेमाल किया और इस एज को स्टोन एज कहा गया, तो स्टोन के जो टूल्स बनाए इन्होंने वह भी तरह तरह के, शुरुआत में बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया, उतने तेज धार वाले टूल्स नहीं बना पाए, स्टार्टिंग में नॉलेज की कमी थी इन्हें, धीरे धीरे जब जैसे लोग सीखता है, हम आप भी कैसे सीखते हैं, हम आप चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं और उससे सीखने का प्रयास करते हैं, इन्होंने भी सोचा, इन्होंने भी कुछ देखा, है ना, और फिर आविष्कार होते चले गए, जैसा कि आज भी हो रहा है। और इतिहास ही हमें सिखाता है, हिस्ट्री ही हमें सिखाता है, और हिस्ट्री को देखकर, जानकर देखकर नहीं, हिस्ट्री के बारे में पीछे जो हुई चीज़ें, घटनाएं हुई, उसको जानकर डेवलपमेंट हुआ, जो जिस पोजिशन में आज हम लोग हैं, है ना, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं। यह प्रेरणा हमें उस अर्ली मैन से मिली, चीज़ों को बेहतर करने की प्रेरणा हमें उस अर्ली मैन, उस आदि मानव से मिली, जिन्होंने खुद कष्ट झेला लेकिन हमें नॉलेज दिया, नॉलेज को पास किया, और हम अपने आप को बेहतर करते चले गए। उन्होंने कठिनाइयां सही, यातनाएं झेली, उनका जीवन बहुत ही दुखद था, बहुत ही कष्टमय था, लेकिन हमारे लिए उन्होंने बेहतर रास्ते खोल दिए थे, जो हम आज हम और आप जो है एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। यह प्रेरणा हमें इतिहास से मिली, जानकारी मिली, और उसी जानकारी के आधार पर विकास होता चला गया, डेवलपमेंट होता चला। तो स्टोन एज की बात मैं कर रहा था कि स्टोन एज आया, शुरुआत में
बड़े बड़े स्टोन का इस्तेमाल करते थे, उतने कामयाब औजार टूल्स नहीं बना पाए। फिर धीरे धीरे उसमें भी डेवलपमेंट किया और डेवलपमेंट के टूल्स के डेवलपमेंट के आधार पे जो है उसको बांट दिया गया। ओल्ड स्टोन एज बड़े बड़े पत्थर का इस्तेमाल होता था, द क्वालिटी ऑफ द टूल्स वेर नॉट गुड, अच्छी क्वालिटी के टूल्स नहीं हो पाए पैलियोलिथिक जो ओल्ड स्टोन जिसको कहा गया। फिर मेसोलिथिक में कुछ सुधार हुआ, इसमें इम्प्लीमेंट हुआ और न्योलिथिक आते आते बहुत इम्प्लीमेंट किया इन्होंने, बहुत सुधार किया, इम्प्रूवमेंट किया उसमें। न्योलिथिक एज तक आते आते काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ इनके टूल्स में, क्वालिटी के में, टूल्स के क्वालिटी में। फिर लंबे समय के बाद इन्होंने खेती करना सीखा, फसल लगाना सीखा, वो भी एक्सीडेंटली हुआ। कैरी करते समय ये बीजों को कैरी करते थे अपने फूड के लिए, सीड्स को, सीड्स ऑफ प्लांट को कैरी करते थे और जो है कैरी करते थे और इसी में अचानक जो है कुछ बीजे जो है कुछ सीड्स गिर गए और उससे एक नया पौधा निकला। तो इन्होंने फिर जाना कि किस तरह पौधे लगाए जाते हैं, फसल लगाए जाते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे ये फार्मर बन गए, फार्मर बने, हर्डर बने, इन्होंने जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे करके विकास होता गया इनके जीवन में। लेकिन इन सब इनकी जो दशा में जो सुधार हुआ, इस बात को मैंने 5 मिनट में कह दिया, 10 मिनट में, लेकिन इनफैक्ट यह इम्प्रूवमेंट होने में काफ़ी साल लग गए, वर्षों लग गए, वर्षों, मेनी ईयर्स, है ना। शुरुआत के दिनों में ये लोग फोर्सेस ऑफ नेचर जैसे बिजली का कड़कना, इन चीज़ों से, आग, वर्षा, इन चीज़ों से ये डरते थे, भयभीत होते थे। इनको पता ही नहीं था कि ये है क्या, इनको लगता था कि कोई ऐसा मतलब खतरनाक चीज़ है, है ना, या फिर भगवान का प्रकोप है जो इस तरह की चीज़ें होती है ना। तो ये उनकी पूजा करते थे, दे वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर, कि ये पूजा करते थे, उनसे डरते थे, भयभीत हो रहते थे और इसलिए उनकी पूजा करते थे ताकि हमारा कुछ अहित ना हो, है ना, भगवान खुश रहे, ईश्वर खुश रहे, है ना। तो उनको जो है ईश्वर मान के, क्योंकि उस समय में इन लोगों को, अभी हम लोग बहुत सारे हिंदू देवता देवी के बारे में जानते हैं, इनको ये जानकारी तो थी नहीं, इनको ही ये लोग बस कुछ ऐसा समझते थे कि ये प्रकोप है कुछ ऐसा और हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, तो ये वर्षा, थंडर आदि की पूजा करते थे, रेन थंडर आदि की पूजा ये करते थे उनको देवता समझकर। काफ़ी समय बाद जो है सो बहुत लंबे समय के बाद, फिर इस पे चर्चा मैं करूँगा कि कैसे फिर जो आज के युग में जो हम देवी देवताओं को पूजते हैं, कैसे शुरुआत हुई इनकी, कैसे उत्पत्ति हुई, कैसे जाना इन्होंने, है ना। तो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग अपनी चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, है ना, और आगे चर्चा होगी, ठीक है। क्योंकि आपका जो चैप्टर्स था मैंने आपको बताया था 7 to 12 और उसको पढ़ाया मैंने, क्वेश्चन आंसर करवा दिया, रिवाइज भी कर दिया। तो अब हमारे पास जो है, अब हम लोग ऐसे कुछ जनरल टॉपिक्स, हिस्ट्री और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसपे हम चर्चा कर सकते हैं, है ना, जानकारी आपको दे सकते हैं, तो हम आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम लोग
अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।